हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट विद दलजीत। तो मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही टेम्पटिंग तीखी खट्टी सी चटनी लेके आई हूँ। ये चटनी इंटरनेट वायरल टमाटर की चटनी है। जब से मैंने ये चटनी बनाई है ये मेरी फेवरेट हो चुकी है। प्लीज़ एक बार आप भी इस चटनी को ट्राई करें, ये भी आपकी फेवरेट चटनी बन जाएगी। तो ये चटनी आप किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में मैं ऑयल डालूँगी 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर हमें गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे रखनी है। अब मैं तेल को फैला लूँगी और यहाँ मैं 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ। फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी 3 से 4, जिन्हें मैंने बीच में से काट लिया है। और अब मैं इन्हें उल्टा करके पैन में रख दूंगी। फिर मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। यहाँ पर नमक डालेंगे जिससे जो हमारे टमाटर हैं वो बहुत ही जल्दी गल जाएं। अब इसको मैं हिला के 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसके छिलके निकाल देंगे। मैं यहाँ पर एक चिमटे की सहायता से इसके छिलके निकाल रही हूँ। सारे छिलके निकालने के बाद इसे एक मेशर की सहायता से मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। अगर आपके पास मेशर नहीं है तो आप इसे फोक से भी मैश कर सकते हैं, या ग्लास से, या कटोरी से। किसी भी चीज़ से अगर आप मैश करेंगे तो ये इजीली मैश हो जाएगी। यहाँ पर हमें गैस बंद कर देनी है। फिर मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची ली है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। अब यहाँ पर मैं हरा धनिया डाल रही हूँ, उसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब मैं यहाँ पर एकदम बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। अब हम यहाँ इसे 1 से 2 बार घुमाएंगे। फिर मैं इसमें जीरा पाउडर डालूँगी, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर मैं इसमें आधा नींबू डालूँगी और नींबू डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। तो ऐसी और अच्छी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।